तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे डिसइंफेक्टेंट सरफेस क्लीनर और क्या है फॉर्मूला इसके पीछे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 लीटर डिसइंफेक्टेंट सरफेस क्लीनर बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहले आता है लिक्विड सोप, जिसकी हमें 1 लीटर तक जरूरत होगी। ये प्लेन लिक्विड सोप है विदाउट फ्रेग्रेंस। दूसरी चीज है पाइन ऑयल, जिसकी हमें 250 ml तक जरूरत होगी। बेहतर होगा आप अच्छा पाइन ऑयल यूज करें 32% तक का। तीसरी चीज व्हाइट वेनेगर है, जिसकी हमें 1 लीटर तक जरूरत होगी। एक डीमिनराइज्ड वाटर वाला कंटेनर, जिसके अंदर 2.5 लीटर का वाटर चाहिए हमें। और एसेंस फ्रेग्रेंस अराउंड 50 ml तक। हम कोई सी भी फ्रेग्रेंस यहां पे यूज कर सकते हैं जिस तरीके का हमें सरफेस क्लीनर बनाना है। और एक कलर पाउडर, हम यहां पर पिंक कलर यूज करने हैं क्योंकि हम पिंक कलर का सरफेस क्लीनर बनाने जा रहे हैं। और कैम्फर पाउडर, इसे हम कपूर का पाउडर भी कहते हैं, इसकी हमें 100 ग्राम तक जरूरत होगी। और एक स्टरिंग रॉड। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले 2.5 लीटर डीएम वाटर वाले कंटेनर में कैम्फर पाउडर अराउंड 100 ग्राम तक ऐड करेंगे और स्टिरिंग रॉड की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। हम यहां पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी चीज जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है लिक्विड सोप। ये एक साधारण सा लिक्विड सोप है, बिना कलर बिना खुशबू का। 1 लीटर तक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे पीकर में। स्टीरिंग रॉड की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब तक इस कंटेनर में हमने ऐड किया है 2.5 लीटर डीएम वाटर और 100 ग्राम कैम्फर पाउडर, जो कि एक कपूर का पाउडर है, और 1 लीटर लिक्विड सोप। अब हम तीसरी चीज ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि है पाइन ऑयल। अराउंड 250 ml तक हम इस कंटेनर में पोर कर देंगे और स्टिरिंग रॉड की मदद से इसे मिक्स करेंगे। आप देखेंगे हमारा सॉल्यूशन मिल्की व्हाइट कलर का हो गया है। मैं चाहूंगा आप अच्छा पाइनल यूज करें ताकि हमारा सरफेस क्लीनर भी हाई क्वालिटी का बने। अब चौथी चीज जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है व्हाइट विनेगर, जो हमें 1 लीटर के अराउंड इसके अंदर ऐड करना है। व्हाइट विनेगर कैसे बनाते हैं, इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप बनाना वहां से सीख सकते हैं। और अब स्टिरिंग रॉड की मदद से हमारे सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। हमारा सरफेस क्लीनर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम पांचवी चीज इसके अंदर ऐड करेंगे, जो है एक कलर। हम यहाँ पे पिंक कलर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर पिंक कलर का सरफेस क्लीनर बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा पिंक कलर इसके अंदर एड ऑन कर देंगे और हमारी स्टिरिंग रॉड से इसे मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा पिंक कलर सरफेस क्लीनर के अंदर आ चुका है। और अब हम आखिरी चीज इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, जो कि है एसेंस फ्रेग्रेंस। हम यहां पर रोज फ्रेग्रेंस यूज करने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर हम पिंक कलर का सरफेस क्लीनर बनाने जा रहे हैं। तो 50 ml तक फ्रेग्रेंस हम इसके अंदर ऐड करेंगे और स्टिरिंग रॉड की मदद से इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा सरफेस क्लीनर अब प्रिपेयर हो चुका है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ी देर रखने के बाद हमारा सरफेस क्लीनर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने 5 लीटर सरफेस क्लीनर बनाया है और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।
बहुत ही हाई क्वालिटी का डिसइंफेक्टेंट सरफेस क्लीनर है ये, और आप चाहें तो इसे लार्ज क्वांटिटी में भी बना सकते हैं हमारे इस फॉर्मूले की मदद से। जस्ट मटेरियल की क्वांटिटी को उसी रेशियो में बढ़ा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सरफेस क्लीनर बना लीजिए। और जो हमने यहाँ पर सरफेस क्लीनर बनाया है ये फिनाइल से भी ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लोर क्लीनिंग करना चाहते हैं तो सरफेस क्लीनर का यूज़ करें, क्योंकि फिनाइल से ज़्यादा पावरफुल है हमारा ये सरफेस क्लीनर। तो फ्रेंड्स, अब आपको आ गया होगा डिसइंफेक्टेंट सरफेस क्लीनर बनाना। कितना आसान है इसे बनाना, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। हमने जो सरफेस क्लीनर बनाया है वो बहुत ही चीप कॉस्ट में बनाया है, और अगर हम इसे मार्केट में सोल्ड आउट करने जाएंगे तो अच्छे दामों में हम इसे बेच सकते हैं और एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।